नल जल में पानी आवत कहने के जो कहते थे आ हई रोड हो हई रोड है बरे लइका ओइ में जाकर डूब जाता रह सब कोई हाथ टूटे कोई गोड़ टूटे पानी के तो आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है जोंक जाता है इतना इतना बड़ा है उसमें हम खुद देखे हैं जोंक बाल्टी में लोगों के 10 आदमी के बाल्टी के पानी में देखे हैं जोंक ये विकास बा और विकास के जोन सोना के गुल्ली बा जोन सोना के गुल्ली से अगर बंद कर बा कि पानी अगर निकल जाये तो कहीं बाढ़ मत आवे यहाँ से वोट लेकर गए हैं लेकिन देखने नहीं आए हैं कि यहाँ पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है यहाँ के जनता खुश है या नहीं है नल जल के पाइप के बुढ़ाड़ी आ गई बा बुढ़ाड़ी में जो बांस के लाठी के सहारे हम चले सन एक लाठी के सहारा दिया गई बा हमारा बुझाता कि 6 महीने के बाद मर जाए नल जल बाजार करने के लिए मुख्य रास्ता यही है रोड देखिए बाकी हम लोग टप के जा रहे हैं आ रहे हैं जाने के भी रास्ता नहीं है कपाल फूट गई कोई आदमी के मुड़ी फूट गई हाथ गोड़ टूट गई कितना लोग बस प्लस्तर भइल बा तो का करी सब हमनी के जी नमस्कार हम राजा बोलेंगे देखा तनी अपन भोजपुरी चले झलको चंपारण अगर अभी तक हमारे चैनल के अपने लोग सब्सक्राइब नहीं की करे तो सब्सक्राइब करी और बेल आइकन जरूर दबाई आज बात हुई मोती हारी जिला के गोबिनीगंज निर्वाचन क्षेत्र के कमाल पिपरा पंचायत वार्ड नंबर 1 कैथवलिया कुर्मी टोला के नाम से टोला के जानल जाला लेकिन हमारा पीछे जो विकास अपने देख रहा बानी ये शायद हमारा क्षेत्र के कोई नेता जी के विकास बा जेकरा के जनता वोट देले बा तो ये विकास ऐसा तरीका से दिखाई दे रहा बा कि महज यहाँ से 200 मीटर दूर पर एक सड़क दिखाई दे रहा बा और सड़क से थोड़ा दूर आगे बढ़े तो वहाँ वार्ड सदस्य के घर बाटे जहाँ बिल्कुल 100% सर्टिफाइड सड़क बाटे मतलब 100% बन चुकल बाटे अच्छा सड़क बा आवे जाए के बहुत बढ़िया सुविधा बा लेकिन ये जो टोला बा टोला कैथवलिया में तो यहाँ से पूरा एकदम जितना ही मार्ग बाटे छोटा सा एक सड़क बा बिल्कुल तरह से खत्म हो चुकल बा नल जल और सड़क दोनों फेल बाटे यहाँ पर चेहरा आता है उसमें और जोक भी आता है चौर का पानी उसमें नल में जा रहा है कितना दिन से नल जल लागल बा नल जल से 1 साल से लागल बा 1 साल से कब कब अपने के पानी मिलल लागला के बाद 1 महीना तक ओकरा बाद बंद बंद जी फुट साठ पानी जी आन हो रहा बा पनिया जो देख रहा बानी अपने बारिश वाला पानी बाटे देखिए हमारा सामने जहाँ कीड़ा मकूड़ा चलत रह सर ये पानी जो पाइप फूट चुकल बा ओ पाइप के सहारे वो जनता के घर में जा रहा बा नल जल में पानी आवत कहने के जो कहते थे आ हई रोड हो हई रोड है बरे लइका ओइ में जाकर डूब जाता रह सब कोई हाथ टूटे कोई गोड़ टूटे सब चारों ओर के रोड बा कैसन बा हमनी के एने के कौन स्थान बा आ लइका सन के कितना दिन से स्कूल छोड़ देला सन गइले गड्ढे के मारे राशन लेवे जाए में हमनी के कम दिक्कत बा सब लोग के राशन आ गइल बा हमनी के अभी तक ले राशन आल पानी भर के धइले रहनी सन सब दिया दिन पांचो दिया दिन अब रहते त जोख बाल्टी में रह कमाल पिपरा पंचायत वार्ड नंबर 1 के विकास में लकड़ी उड़ल बा देखी यहाँ पर ये विकास बा और विकास के जो सोना के गुल्ली बा जो सोना के गुल्ली से अगर बंद कर बा कि पानी अगर निकल जाये तो कहीं बाढ़ मत आवे देखी ये विकास बा आ पानी एकदम गिल रहल बा आज ले इतना मन है 5 भाई हमने बानी कोन के इंदिरा आवास ले मिलल आ हई देखे मैं ये बड़ा खानी अब रहा हमने के कितना दासा हमने के रास्ता के यहाँ से वहाँ तक ले भाई रास्ता निकल बा तो यो रास्ता हई पास हो जाई तो यो रास्ता बन जाई तो बन जाई तो मेन सड़क बनते नहीं के हां आ वो नल देखी वो नल सब जोख लिख रहा था सब मेन सड़क पर पाकी बात यहाँ गली कुछ के बात देखिए नल जल नल जल के योजना बा नल जल के पाइप के बुढ़ाड़ी आ गई बा बुढ़ाड़ी में जो बांस के लाठी के सहारे हमने चले सन एक लाठी के सहारा दिया गई बा हमारा बुझाता कि 6 महीने के बाद मर जाये नल जल पानी आवे ला हमरा लागले नहीं के लागल आ टूट गई तो पाइप हो जाए बा अंगना नहीं के मतलब फेल बा फेल बा आ हो जाए लागल बथान पे तो फेल बा दोनों फेल बा बताई जइया से नल जल लागल प्याज ले यहाँ के पाकी ना हो रहा है अच्छा यहाँ फूटल बा जी यहाँ फूटल बा जब से लागल तब से आज ले यहाँ पाकी ना हो रहा है हरदम पानी बहुत रहेला ये टूटत रहेला यहाँ पाकिए रही आगे देखिए पाकिए कितना रोड पर बा सुधार ना करे ना कहला पर कहलन जे हमार काम नहीं के बोले इन अपन कराई लगिन बोलू दिल्ली के टीम आके करिया जी दिल्ली के टीम करी देखी आई पाइप नहीं लकड़ी हुरहुर के देखी योजना है योजना देखी आज ले टोटी ना लागल देखी है योजना लकड़ी हुरहुर के खड़ा कइल लकड़ी हुरल बा विकास में अब ना पानी नहीं के मिलत टूटी ना लागल अच्छा कितना दिन पहले लागल भाई नल जल का तो साल से फालतू हो गई अच्छा चाचा जोन नीचे जोन फर्श ढलाई होला भइल बा जी ना लइका भाई ना धरती कोड़ के भइल बा ना लइका भाई कुछो रखा भाई अच्छा तो का भइल बा बताई ओमे कीड़ा फतिंगा आवत तो के पानी पी गंधा के पानी आ चार जगह फूटल बा रोड यहां से वहां ले यहां से वहां तक चार जगह फूटा है कोई वो हर एक जगह से ली कुछ में जा रहा है पूरा वहां टंकी लगा हुआ है वहां से पानी निकास होके यहां तक पूरा हम लोग के गांव में जाता है इनके जाम गांव में जितना कार्य हुआ सब पूर्ण ढंग से सही ढंग से हुआ हमारे गाँव में जितना काम हुआ सब मतलब बेकार के पाइप लगा के जैसे तैसे कोड़वा के मैंने बर्बाद कर दिए पूरा और उसके बाद जल तहल काम करवाए पानी जा रहा है नहीं जा रहा है उसे बात बात मतलब नहीं बात पूछूं भैया अपने से एक बात हुई वार्ड जोन की बा वार्ड 1 नंबर बा हाँ, और अपने के भी गांव 1 नंबर वार्ड बा से जुड़ा तो फिर एक यहाँ काम काहे बढ़िया हुआ है काहे खराब चूंकि वो उनका पूर्णतः गांव
है एक अपना, उनका उनका बस्ती एक है, हम लोग अपना अलग बस्ती है, इसीलिए अपना अलग ढंग से काम करवाए, हम लोग अलग ढंग से काम करवाए, जहल तहल काम करवाए। आगे भी कुछ एक्शन ले लेती, मतलब वीडियो साहब से जाके बारे में निर्देश देती कि हमारे गांव में जो उनकी बात गड़बड़ काम भइल बा, हमारे गांव में जो उनकी बात सड़क नहीं खे, हमारे गांव में पुलिया नहीं खे, हमारे गांव जो उनकी बात एकदम विकास के कोनो भी काम नहीं खे, हमारे गांव में वो सर सब हुआ है, लेकिन अब मतलब आवाज उठने के बाद भी, हां आवाज उठा हुआ है आवाज। देखिए आवाज उठाने के बावजूद भी अच्छा से काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, इसलिए अब हम लोग का एप्लीकेशन देना पड़ेगा अब हार पाच कर, ठीक है, अब क्या कीजिएगा। देखिए रोड खराब है, आपके आंख के सामने दिखाई दे रहा है, यही सब देखिए प्रॉब्लम कितना है, हम लोग का भी गाँव में कितना रोड टूट गया है, नल जल अच्छा से नहीं बनवा पाए हैं, सब धस गए हैं, नल जल फूट गया है, उसमें से पानी भी लीकेज हो रहा है, सब रोड पे पानी लग जा रहा है, जिससे हम लोग आने जाने में दिक्कत हो रही है। मतलब उनका जो काम हुआ बिल्कुल मतलब फेल ढंग से हुआ, बेढंग से, बहुत बिल्कुल कम गड्ढा है, इससे पहले पिछले बरसात में इतना गड्ढा था, 3 फुट ज्यादा गड्ढा था यहाँ से वहाँ तक। ये जब विधानसभा का चुनाव था तो हमारे राजीव तिवारी जी आए थे यहाँ पर, तो इस रोड से जब गुजरे तो 10 टली मिट्टी गिरवा करके इसको भरवाए, तब जाके इतना गड्ढा थोड़ा सा कम हुआ है, नहीं तो इससे भी ज्यादा गड्ढा था। आज भी जो विधायक है हमारे बीजेपी के और राज्य गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र के, वो आज तक देखने भी नहीं आए हैं, यहाँ से वोट लेकर गए हैं लेकिन देखने नहीं आए हैं कि यहाँ पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, यहाँ के जनता खुश है या नहीं है। ये देखिए कितना लंबा रोड है, पानी का तो आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है, जोंक जाते हैं इतना इतना बड़ा है, उसमें खुद देखे हैं जोंक बाल्टी में लोगों के 10 आदमी के बाल्टी के पानी में देखे हैं जोंक कि इतना बाल्टी में जोंक जाता है लोगों का, और रोड के देखिए उधर भी वही हाल है, इधर भी वही हाल है, इधर भी देखिए मेन रोड है, उधर भी मेन रोड है, लेकिन ये गाँव में जो आने जाने का रास्ता है बिल्कुल क्षतिग्रस्त है, इसके अलावा कोई कुछ करने वाला नहीं है। कपाल फूट गई, कोई आदमी के मुड़ी फूट गई, हाथ गोड़ टूट गई, कितना लोग बस प्लस्तर भइल बा, तो का करी सब हमनी के, जब भोटवा पड़ गई तो अपने 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 जगह पकड़िए लानी। वार्ड एगो ऐसा वार्ड बा कि यहाँ नेता लोग एक बेर आवेला वोट लेवे के बेरा, ओकरा बाद में यहाँ कोई ना आवेला, यहाँ का होला वही बेरा एक बेर आई वोट ले ली, कुछ भी करे कुछ भी हो जाए उससे प्रतिनिधि को कोई मतलब नहीं है, डीलर के घर बा, सब लोग राशन लेवे जाला, अब रहुआ बताई हम के खाली चलला पर पैर स्लिप होता, अगर कोई मोटर साइकिल पे कैसे लगाई पानी बा, मुड़ी पे लगाई दे में गिर जाई, ये गांव के इकले के कहीं से माने पक्का सड़क नहीं खे, खाली कच्चा बा, आ नल जल के जोन बा तन सामने में देखत नहीं पाइप में टाटी पे बांधल बा, ओमे पानी ना आवेला, 10-20 घर में ऐसा बा कि लागल बा पानी आवेला, माने फूट गला के वजह से चेवर के पानी ओमे जाता। मतलब सबसे ज्यादा ये समस्या बात नल जल के और सड़क के, सड़क का बिल्कुल ही नहीं खे, जन अपना क्षेत्रीय जे भी नेता जी लोग बा जे वर्तमान में भी बाटे ओकरा का कहम अपने की सड़क, हम ये कहब जे ऊ लोग जब की चुनाव आवेला त यहां आवेला वोट ला, अगर ई आके स्थिति ऊ लोग देखे तो फिर एकरा बाद में टोला में वोट मांगे आई आ ना तो मत आई, अगर काम ना तो वोट ना, काम ना तो वोट ना, चुनाव होता पंचायत भी चुनाव होता, ई गांव के लोग ओकरे के वोट दी जे यहां गारंटी करे जे हम काम करें, अच्छा कइले बानी ऊ बताई जे हई काम में टोला में हम कइले बानी उहे वोट मांगे हकदार भाई टोला से, ना तो वोट मांगे आई बेजन करो, ज्यादातर के यहां पे नल जल से रोड खराब हो गया है, अधिकांश यहां पे रोड पे पानी निकल रहा है नल जल का, उससे बर्बाद हो गया पूरा माने गांव, जितना रोड बर्बाद हुआ है नल जल से बर्बाद हुआ है। बाजार करने के लिए मुख्य रास्ता यही है, देखिए विधायक साहब भी आए यहां से वोट लेके चले गए, अभी तक फिर दोबारा देखने नहीं आए जे जनता कैसे है कैसे नहीं है, रोड देखिए बाकी हम लोग टप के जा रहे हैं आ रहे हैं, जाने के भी रास्ता नहीं है, इससे आगे भी और ऐसे ही इससे ज्यादा मतलब जहाँ भी सड़क बा बिल्कुल तरह से एकदम बंद बा, कहीं जाने आने के लिए कहीं रास्ता नहीं है ना, सिर्फ इधर ही रहो इधर मत जाओ, उधर भी ऐसे बंद है पानी लगा हुआ है, इधर भी ऐसे पाक सब है टोटल, तो ऐसा ऐसा जगह के जोन की वाह काम होके के चाहिए जहाँ पर जनता काफी परेशान है। अभी खटिया पर टांग के तबियत खराब होता था, खटिया पर टांग के लिए रोड पर 4 माइल लेकर पहुंचा दिया था, खटिया पर बारिश में हमके कोनो गाड़ी नहीं के बरत, मोटरसाइकिल नहीं के बरत, बोलेरो स्कॉर्पियो तो बहरबे न करी, मोटरसाइकिल बहरत जब धूप निकल तो सामूहिक जोन कार्य बा नल जल वाला और सड़क वाला बिल्कुल तरह से फेल बा, तो जोन की बा कमाल पिपरा पंचायत के वार्ड नंबर 1 बा कुर्मी टोला, यहाँ पर विकास जोन की बा अभी नल जल में लगभग 50% से काम जोन की बात ज्यादा अधूरा बा, और कहीं काम भइल भी बा तो वहाँ पर बारिश के पानी आवता नल जल के पानी के यहाँ था नहीं, ठीक बताइए। सही बने रहे हमारे चैनल के साथ में और चैनल के सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाई। जय हिंद, जय भारत, जय चंपारण।